हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मॉड्यूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट मॉड्यूल्स प्रीवियस फ्यू मॉड्यूल्स में हम लोग ने देखे फ्यू थियरीज डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता कैसा है वो हमने देखने की ट्राई की अलग अलग थियरीज देखी उसके रिगार्डिंग और उसके बाद वी लुक्ड एट द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वी ट द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कि मतलब लाइट वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है पार्टिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है आज हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स यानी नील बोर्स करके एक साइंटिस्ट था उसने उसका एटॉमिक मॉडल दिया और हमें बहुत सारी चीजें बताई रिगार्डिंग द एटम ओके वील बी टॉकिंग अबाउट दैट सो आई जूम इन टू आर नोट्स ठीक है टूडे वील बी डिस्कसिंग बोर एटोमिक मॉडल तो बोर ने ना एक एटोमिक मॉडल दिया ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्युलर ऑर्बिट्स इन सर्क्युलर ऑर्बिट्स इन डिस्क्रीट सर्क्युलर ऑर्बिट्स एंड दीज पर्टिक्युलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते है, ठीक है ये पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट इन विच दे आर प्रेजेंट ठीक है मतलब ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्बिट ये हो गया सेकेंड ये हो गया थर्ड तो डिपेंडिंग ऑन विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन उस इलेक्ट्रॉन के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है देर इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस विच द उसने डिस्टेंस भी बताया हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस विच द इलेक्ट्रॉन और द ऑर्बिट हैज फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है वो डायरेक्शन अरे वो रेडियस uh, के बारे में भी उसने बात की फिर एनर्जी होती है हर एक इलेक्ट्रॉन में या फिर हर एक ऑर्बिटल में पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल के भी बारे में बात की ठीक है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड दैट एवरी ऑर्बिट एवरी ऑर्बिट हैज अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ठीक है

ऑफ द ऑर्बिटल इज इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वेर अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ पे एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इज द एक्सक्यूज मी एन स्क्वायर इज द ऑर्बिट नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है इट इज द ऑर्बिट नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वन टू थ्री तो एन हो गया ऑर्बिट नंबर और जेड जो ऊपर दिया गया ना वो हो गया एटोमिक नंबर ऑफ द एटम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट मे बी हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब क्या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आई टेक यू टू दिस पीरियोडिक टेबल नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ठीक है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है बट अगर एच ई वन प्लस देखो मैं तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है फिर सिमिलरली लिथियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ और बेरिलियम में से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो मुझे हाइड्रोजन जैसा एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज मिलता है तो एच ई वन प्लस एल आई टू प्लस बी ई थ्री प्लस और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज तो जब भी उनके बारे में बात कर रहे हैं ना उनके बारे में बात कर रहे हैं तो जेड में उनका जो जेड है ना उनका जेड यानी एटॉमिक नंबर टू थ्री फोर वो डाल देना पड़ता है और z स्क्वायर कर देना पड़ता है इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट देम इन टू दिस फॉर्मूला एज वेल टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ देयर ऑर्बिट्स ठीक है तो जैसे अभी एन बढ़ता है यानी हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है एन बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ये नेगेटिव वैल्यू है ठीक है नेगेटिव है आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू घटती है वाइल इंक्रीजिंग एन नेगेटिव वैल्यू घटेगी ठीक है डिवीजन अगर ज्यादा होता है तो फिर नेगेटिव वैल्यू घटेगी यानी अगर मैं ये नंबर नंबर लाइन दिखा रहा हूँ तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स यहाँ है एंड माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई फोर इफ माई एन इज इक्वल टू टू इफ माई एन इज इक्वल टू टू मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो फिर एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड थर्टीन पॉइंट सिक्स अप फोर करना पड़ता मुझे ठीक है तो ये इतना नीचे है और एटलीस्ट ये उससे कम है ये उससे ज्यादा है टेक्निकली इट इज मोर देन थर्टीन पॉइंट सिक्स इफ यू आर लुकिंग एट द नंबर लाइन समझ में आ रहा है इट इज क्लोजर टू जीरो अगर जीरो यहां पर है ठीक है जीरो यहां पर है तो दिस वन इज क्लोजर टू जीरो दैट इज इट इज दिस मच अब थर्टीन पॉइंट सिक्स ठीक है मतलब जैसे ही हम ऑर्बिट्स बढ़ाते हैं ना जैसे ही हम फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट जाते हैं आगे जाते हैं ऑर्बिट्स जैसे ही बढ़ते हैं द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट इनक्रीज द फर्स्ट ऑर्बिट है लोएस्ट एनर्जी एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज दाइएस्ट एनर्जी समझ में आ रहा है ठीक है अभी z स्क्वायर की सिग्निफिकेंस क्या है z स्क्वायर की एज वी गो फ्रॉम समझो मैं अभी हीलियम प्लस वन की बात कर रहा हूँ या फिर लिथियम प्लस टू की बात कर रहा हूँ या फिर बेरिलियम प्लस थ्री की बात कर रहा हूँ तो जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ ना तो मैं Z को रिप्लेस कर दूंगा वन स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए वन स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन का जेड वन है ना तो पर हीलियम के लिए टू स्क्वायर हो जाएगा लिथियम के लिए थ्री स्क्वायर हो जाएगा एंड बेरिलियम के लिए फोर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल डिक्रीज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल डिक्रीज देखो अभी ये मैंने दिखाया ऐसे तुम्हें मैं नीचे लाइन ले लेता हूं एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट हीलियम ठीक है तो टू स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इनटू टू स्क्वायर, ठीक है मैं हीलियम के बारे में बात कर रहा हूं तो जेड स्क्वायर ऊपर है ना तो इनटू टू स्क्वायर करना पड़ेगा ओके okay? तो फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस वन इज इक्वल टू उसकी एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू फोर दिस विल बी बिलो थर्टीन पॉइंट सिक्स ऑन द नंबर लाइन हाँ कि ना नेगेटिव में और नीचे जाएगा ना ठीक है तो दिस हैज अ लोअर वैल्यू देन पॉइंट सिक्स विच इज हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी वेन कंपेयर टू हीलियम प्लस वन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ठीक है तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है हीलियम प्लस वन है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट डिक्रीज विथ इनक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द स्पीशीज सचैसे ही प्लस वन लिथियम प्लस टू बेरेलीम प्लस थ्री ठीक है तो इस फॉर्मूला से तुम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है इलेक्ट्रो वोल्व इलेक्ट्रॉन वोल्ड्स में हम ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्वस विच इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी चलो लेट्स गो अहेड बोर ने हमें यह भी दिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वी वर एबल टू कैलकुलेट ठीक है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ठीक है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी इनटू रेडियस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई तो यहां पे h अपॉन टू पाई है वो कांस्टेंट है हा कि ना h अपॉन टू पाई जिसे हम h कट भी बोलते हैं h कट वो कांस्टेंट है एंड n इज द ऑर्बिटल n इज द ऑर्बिट ठीक है n में भी वन टू थ्री आगे 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 ठीक है तो n इज द ऑर्बिट h बाई टू पाई इज कांस्टेंट एंड एम वी आर इज माई एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम यानी कैपिटल एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट ऑफ एच कट समझ में आया तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट यानी ऑर्बिट अंदर से बाहर जा रहे 1 वन टू थ्री बढ़ रहे हैं तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है ठीक है विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इनक्रीज अभी रेडियस के बारे में बात करते हैं तो रेडियस यानी डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन समझो ये न्यूक्लियस है और उसके आस पास ये ऑर्बिट है दो ठीक है और ये ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज दिस एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज दिस ठीक है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तो अभी ये रेडियस जो है स्मॉल आर इज इक्वल टू आर नॉट आर नॉट जो कांस्टेंट है इनटू टू एन स्क्वायर अपॉन जेड एमस्ट्रॉ इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड एम स्ट्रोंग तो एन स्क्वेयर अपॉन जेड से क्या पता चलता है एन इज द ऑर्बिट इन विच इट इज प्रेजेंट एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ ठीक है तो आर आरनोट की कॉन्स्टेंट की वैल्यू है पॉइंट फाइव थ्री एम स्ट्रोंग पॉइंट फाइव थ्री एम स्ट्रोंग अभी जब मैं जेड में वन डाल दू एंड एन में भी वन डाल दू ठीक है यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन तो मुझे आर इज इक्वल टू आर नॉट मिलता है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अभी तुम्हें दूसरे ऑर्बिट का ढूंढना है तो तुम एन इज इक्वल टू वन टू थ्री कर सकते हो ठीक है दूसरे ऑर्बिट की जो नंबर है वो तुम डाल सकते हो एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का ढूंढना है तो भी तुम कर सकते हो z इज इक्वल टू वन टू थ्री कर सकते हो ठीक है डिपेंडिंग ऑन हीलियम प्लस का ढूंढना है तुम्हें लिथियम टू प्लस का ढूंढना है ठीक है जो भी तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो नाउ द रेडियस इज डिरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एन ठीक है आर इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेयर एन स्क्वेयर इज द स्क्वेयर ऑफ द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ठीक है ऑर्बिट मतलब अगर ऑर्बिट दूर जा रहा है ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट इतना है सेकंड ऑर्बिट इतना है थर्ड ऑर्बिट इतना है ठीक है तो जैसे ही ऑर्बिट ऑर्बिट बड़ा वाला ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं उसका रेडियस भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है उसका रेडियस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई न्यूक्लियस ठीक है पहला ऑर्बिट यहां है दिस इज पहला ऑर्बिट ठीक है अभी सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट ये जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस पहला रेडियस हो गया ठीक है दिस इज आर वन दिस इज आर वन एंड दिस इज एन इज इक्वल टू वन ठीक है अभी जो सेकेंड ऑर्बिट डाल रहा हूं ना मैं सेकेंड ऑर्बिट का जो आर टू है वो इतना बड़ा है सेकेंड ऑर्बिट का आर टू है वो इतना बड़ा है आर थ्री के बारे में बात करता हूं तो आर थ्री कुछ यहां पे आ रहा है ठीक है मतलब अभी आर थ्री इतना बड़ा है समझ में आ रहा है मतलब एन में एक इंक्रीज हो रही है दिस इज एन इज इक्वल टू वन दिस इज एन इज इक्वल टू टू दिस इज एन इज इक्वल टू थ्री सो एन में वेन आई एम गोइंग फ्रॉम वन टू टू ठीक है एन में एक से दो जा रहा हूं मैं तो आर में इतना बड़ा डिफरेंस आता है आर वन ये रहा आर टू इतना बड़ा ठीक है जब मैं टू से थ्री जा रहा हूं जब मैं टू से थ्री जा रहा हूं तो आर टू इतना छोटा है यहां पे आर थ्री उससे बहुत ही बड़ा है ठीक है यानी आर इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वे एन में छोटा सा डिफरेंस आया आर में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ओके चल अभी वेलोसिटी के बारे में बात करते वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू टू पॉइंट वन एट एट इंटू टेन रेस टू एट अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है आई रिपीट वी इज इक्वल टू टू पॉइंट एट एट इंटू टेन रेस टू एट जो कॉन्स्टेंट है इंटू अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड तो अभी जब मैं Z को वन ले लेता हूं यानी हाइड्रोजन n को भी वन ले लेता हूं यानी पहला ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन तो मुझे आंसर मिलता है v इज इक्वल टू टू पॉइंट वन एट एट इंटू टेन रेस टू एट सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ठीक है टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अभी जब तुम Z बदलते जाओगे N बदलते जाओगे तो तुम्हें दूसरे ऑर्बिट्स के बारे में पता चलेगा एंड दूसरे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के बारे में पता चलेगा फॉर Z एंड N एन एम सॉरी Z के Z बदलते जाओगे तो दूसरे हाइड्रोजन स्पीशीज के बारे में पता चलेगा और N बदलते जाओगे तो दूसरे ऑर्बिट्स के बारे में पता चलेगा ठीक है तो जैसे मैं वन से टू जा रहा हूं ठीक है एन की वैल्यू वन से टू कर रहा हूं मैं सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूं तो स्पीड कम हो जाएगी वी कम हो जाएगी वेन आई एम n, v will विल गो डाउन कि ना तो समझो कि अगर ऑर्बिट तुम बाहर जाते जाते हो तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ओके चलो लेट्स गो अहेड अभी बोर ने ना और कुछ भी बताया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोर ने स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी डिस्क्राइब किया था उसने क्या बोला था कि हाइड्रोजन में ना अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है एंड दैट टू फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो वो कुछ पर्टिक्यूलर कुछ पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है वो कुछ पर्टिक्युलर रेडिएशन देता है इट गिव्स अ पर्टिक्युलर रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड विच कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा समझ में आया जब इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल मतलब क्या एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट ठीक है एवरी ऑर्बिट हैज पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तो जब हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है एक इलेक्ट्रॉन तो वो पर्टिकुलर रेडिएशन एमिट करता है और इस रेडिएशन को हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ठीक है इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है तो so, देखो यह, यहां पे क्या लिखा हुआ है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल्स ठीक है मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन समझो दिस इज माई न्यूक्लियस उसके आसपास ऑर्बिटल्स है ठीक है तीन ऑर्बिटल्स में दिखा रहा हूं ठीक है तो देर इज अ इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट द थर्ड ऑर्बिटल ओके अभी वो थर्ड ऑर्बिटल से सेकेंड ऑर्बिटल में आना चाहता है ठीक है वो सेकेंड ऑर्बिटल में आना चाहता है तो इसकी कुछ तो पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्बिटल की कुछ तो पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी थर्ड ऑर्बिटल की कुछ तो पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर आ रहा है तो वो E3 की एक सेकेंड अभी E3 की एनर्जी हमेशा E1 से ज़्यादा रहेगी हाँ कि ना E3 की एनर्जी हमेशा E1 से ज़्यादा रहेगी हमने बोला था जैसे हम बाहर जाते हैं ऑर्बिट जैसे ही ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है एनर्जी उसकी बढ़ती है नंबर लाइन में वो ऊपर जाता है ठीक है तो वॉट सो वेन दिस इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम ई थ्री टू ई वन तो इट विल रेडिएट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल रेडिएट ई थ्री माइनस ई वन ई थ्री और ई वन में जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा ठीक है ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा एंड दैट विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ट विल बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स समझ में आ रहा है वो इ थ्री से ई वन जा रहा है तो ई थ्री माइनस ई वन की एनर्जी जितनी भी है वो उतनी एमिट करेगा शोर लेट्स गो अहेड अभी अभी एन टू जो मेरा है ना ये टेबल पे ध्यान दो एन टू जो है ना दैट इज द हायर लेवल दैट इज यर लेवल ऑर्बिट दैट इज हायर लेवल ऑर्बिट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग एंड जो मेरा एन वन है ना दैट इज द लोअर लेवल ऑर्बिट ठीक है दैट इज लोअर लेवल ऑर्बिट टू विच द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू हायर से आ रहा है हायर टू लोअर आ रहा है ठीक है इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर आ रहा है एन टू से एन वन आ रहा है ठीक है तो इसके लिए अलग अलग सीरीज दी गई है अलग अलग सीरीज दी गई है अगर लोअर लेवल तुम्हारा वन है यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे लाइमन सीरीज बोलते जब सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है तो उसे बाल्मर बोलते थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो पैशन बोलते हैं फोर में आ रहा है तो ब्रैकेट बोलते हैं फाइव में आ रहा है तो फंड सीरीज बोलते हैं सिक्स में आ रहा है तो हमफ्री सीरीज़ बोलते हैं ठीक है याद करने की ट्राई करो फर्स्ट लाइमेन सेकेंड बालमर थर्ड पैशन फोर्थ ब्रैकेट फिफ्थ फंड सिक्स्थ हमफ्री समझ में आया अभी सिंस एन वन इज माई लोअर लेवल एन वन मेरा लोअर लेवल है तो एन टू जो भी एन वन की वैल्यू होगी समझो वन है इधर तो वन के ऊपर वाले सारे के सारे एन टू हो सकते ना मतलब सेकेंड से भी फर्स्ट आ सकता है थर्ड से भी फर्स्ट आ सकता है फोर्थ से भी आ सकता है फिफ्थ सिक्स सेवन्थ किसी से भी फर्स्ट पे आ सकता है ना तो हायर लेवल ऑर्बिटल सारे के सारे वन के जितने भी ऊपर है वो सारे के सारे एन टू हो सकते हैं अभी बालमर के लिए सेकेंड है तो सेकेंड के सारे के सारे ऊपर वाले हो सकते हैं पैशन के लिए थर्ड तो उसके ऊपर वाले ब्रैकेट के लिए भी फोर्थ तो उसके सारे ऊपर वाले फंड के लिए उसके सारे ऊपर वाले हमफ्री के लिए सिक्स तो सारे ऊपर वाले समझ में आया ना पॉइंट तो एन टू इज ऑलवेज अबव एन वन दैट इज़ वॉट यूर नीड टू अंडरस्टैंड कि एन टू जो होता है वो हमेशा एन वन से हायर होता है ठीक है एंड द रेडिएशन जब भी जब भी समझो अभी ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है ब्रैकेट सीरीज की बात कर रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल ब्रैकेट सीरीज तो समझो सेवेंथ सेवेंथ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है ठीक है सेवेंथ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो तुम बोलोगे कि ये तो जो लाइन जो रेडिएशन हमें लाइन रेडिएशन की जो रेडिएशन आती है उसको मेजर हम लाइन स्पेक्ट्रा spectra या स्पेक्ट्रल लाइन में मेजर करते हैं हाँ कि ना स्पेक्ट्रल लाइन में हम ये रेडिएशन को मेजर करते हैं तो उसका जो रेडिएशन आ रहा है तो वो स्पेक्ट्रल लाइन वो जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है दैट इज़ इन द रीजन ऑफ इन्फ्रा लाइट इंफ्रा मतलब इंफ्रा लाइट ठीक है तो सेवेन्थ से फोर्थ को जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो पर्टिकुलर रेडिएशन एमिट कर रहा है तो वो रेडिएशन जो एमिट कर रहा है उसकी एनर्जी है उसकी जो एनर्जी है वो इंफ्रा लाइट जितनी है मतलब वो इंफ्रा लाइट को एमिट कर रहा है ठीक है तो वैसे ही डिफरेंट सीरीज गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटर देन लाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग टाइप के देते हैं तो जब लाइमेन सीरीज में सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिर उससे ऊपर वाले में कोई भी फर्स्ट के ऊपर आ रहा है तो यूवी लाइट दे रहा है वो ठीक है तो वो यूवी लाइट दे रहा है बालमर सीरीज में थर्ड फोर्थ फिफ्थ से सेकेंड के ऊपर आ रहा है कोई तो वो विजिबल लाइट दे रहा है बालमर सीरीज ओनली इज द ओनली वन विच गिव लाइट इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट यानी कलर दिखता है जो लाइट हमें हमारी आंखें देख सकती है वैसा लाइट देती है विजिबल लाइट ठीक है बालमर सीरीज में ही यानी सेकंड के ऊपर सेकंड ऑर्बिट के ऊपर वाले जो ऑर्बिट के बाहर की तरफ जो ऑर्बिट है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एथ नाइन टेंथ वहां से कहीं से भी सेकंड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फिर बालमर सीरीज वाली लाइन हमें दिखती है जो विजिबल रीज़न में यानी विजिबल लाइट आती है ठीक है पैशन सीरीज में फोर फाइव सिक्स टू थर्ड इंफ्रारेड ब्रैकेट में भी फाइव सिक्स सेवन टू फोर्थ इंफ्रा रेड एंड फंड में भी सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू फिफ्थ इन्फ्रा रेड ठीक है अभी सिक्स सीरीज में इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड ये तीन में इंफ्रा रेड है नॉर्मल फिर हम फ्री सीरीज में सिक्स के ऊपर आते हैं ऑर्बिट uh, के वहां इलेक्ट्रॉन आता है फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट सेवन एट नाइन टेन से आता है तो वहां पे फार इंफ्रा होता है ठीक है फार इंफ्रा रेड समझ में आ रहा है और जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के वहाँ सीखा था जैसे हम यहाँ पे नीचे जा रहे हैं ना तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है एंड जो न्यू है वो डिक्रीज हो रहा है एज वी आर कमिंग डाउन फ्रॉम यूवी टू फार इंफ्रा रेड द वेव लेंथ इज इनक्रीजिंग एंड द न्यू विच इज द इज डिक्रीजिंग ठीक है अभी रिडबर्ग इक्वेशन नाम का एक इक्वेशन है जिससे तुम्हें पता चलता है कि एग्जैक्टली exactly कितने कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है जब एक इलेक्ट्रॉन एन टू से एन वन आता है ठीक है तो इसका फॉर्मूला है इक्वेशन का फॉर्मूला है न्यू डैश न्यू डैश मतलब न्यू डैश मतलब वेव नंबर वेव नंबर न्यू डैश मतलब वेव नंबर एंड इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. इज इक्वल टू आर विच इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू ये है 109677 पर सेंटीमीटर 109677 पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है आर इंटू जेड स्क्वेयर जहां पे z इज पर नंबर ओके इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वे माइनस वन अपॉन एन टू स्क्ट एंड एन टू इज द दायर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग एंड लोअर ऑर्बिट टू विच द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग जहां पे आ रहा है समझ में आया तो जब ये तुम फॉर्मूला सब भरते हो जब तुम्हें कोई बोलता है कि समझो फिफ्थ फिफ्थ और हाइड्रोजन के फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन हाइड्रोजन तो मुझे बताओ कौन से वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा कौन से वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा इफ दैट इज द क्वेश्चन चलो तो मैं नीट में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो तुम क्या करोगे एन टू की जगह पे फाइव डालोगे एन वन की जगह पे वन डालोगे जेड में वन डालोगे बिकॉज एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का वन है और आर की वैल्यू डालोगे तो तुम्हें वन अपॉन लैमडा मिलेगा फिर वन अपॉन लैमडा को तुम इनवर्स करोगे अपन लैमड़ा को इनवर्स करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा लैमड़ा एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन ठीक है चल अभी देर आर सम फ्यू टिप्स ठीक है तो जब भी मैं तुम्हें बोलता हूं जब भी मैं तुम्हें बोलता हूं कि फिफ्थ टू फर्स्ट यानी एन टू इज फिफ्थ एंड एन वन इज फर्स्ट ऑर्बिट ठीक है ये हो रहा है मैं तुम्हें इतना बोलता हूं तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ठीक है दिस इज फोर्थ ऑर्बिट दिस इज थर्ड ऑर्बिट दिस इज सेकेंड ऑर्बिट एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट ठीक है इतने एनर्जी लेवल्स हैं तो अभी फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है फिफ्थ से फर्स्ट वो डायरेक्ट आ सकता है या फिर वो शायद ऐसे भी आ सकता है फिफ्थ से फोर्थ फोर्थ से थर्ड थर्ड से सेकेंड सेकेंड से फर्स्ट या फिर ऐसे भी आ सकता है फिफ्थ से थर्ड थर्ड से सेकेंड सेकेंड से फर्स्ट ठीक है ऐसे इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज़ है ठीक है ऐसे कुछ तो इन पॉसिबिलिटीज़ है ठीक है उसके आने के नीचे ठीक है कहीं कहीं पे रुक रुक के आ सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट तीसरे ऑर्बिट ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है तो कितनी ऐसी पर्टिकुलर लाइन्स होगी कितनी ऐसी पर्टिकुलर लाइन्स होगी उसका नंबर अगर तुम्हें कोई पूछ दे ठीक है मैं बोलूं कि फिफ्थ से फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऐसी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी पॉसिबल है तो तुम उसका फॉर्मूला तुम्हें मिलता है डेल्टा एन इन डेल्टा एन प्लस वन अपॉन टू वेर डेल्टा एन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन ठीक है यानी पांच और एक का जो डिफरेंस है जो है चार ठीक है तो चार तुम्हें डेल्टा एन मिल रहा है एंड तुम डेल्टा एन को इधर रिप्लेस कर रहे हो ठीक है तो तुम्हें आंसर मिलेगा फाइव माइनस वन इज फोर सो डेल्टा एन इज इक्वल टू फोर मेरे लिए फिर फोर इंटू फोर प्लस वन द होल डिवाइडेड बाई टू यानी पाँच फाइव इंटू फोर ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन टू इज इक्वल टू टेन माई आंसर इज टेन टेन लाइन्स मुझे मिलेगी अगर फाइव फॉर एग्जाम्पल इज कमिंग टू वन तो टेन डिफरेंट लाइन्स आर पॉसिबल टू बी सीन समझ में आया इतना ठीक है अभी जब चलो डेल्टा एन ये तो मैंने फाइव फाइव टू वन किया ना फाइव टू वन किया अभी जब ही फॉर एग्जाम्पल वेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू एंथ लेवल टू ग्राउंड लेवल ठीक है ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा तो इधर मैं इसको ऐसा भी फॉर्मूला यूज करता हूँ एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू यानी समझो फिर से फिफ्थ टू फर्स्ट ही आ रहा है तो एन क्या है एन मेरा फाइव है बिकॉज एंथ लेवल दिखाया गया है एंथ लेवल मतलब फिफ्थ लेवल टू ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल मतलब फर्स्ट लेवल तो फिर फाइव इंटू फाइव माइनस वन अपॉन टू इट इज स्टिल द सेम द आंसर इज टेन फाइव माइनस वन फोर फोर इंटू फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन टू टेन अभी भी आंसर टेन ही मिल रहा है ठीक है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जब ग्राउंड लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ओके नाउ लेट्स टॉक नहीं चलो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस मॉड्यूल आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन थैंक यू